उन्हें देती ना। पप्पू यादव हर महीना 10,000 रुपया आप लोग को देते थे मदद में? 10,000 से 6,000, तो 6,000 से ओहू ना बंद। कितना दिन से बंद कर देते हैं? लगाओ कि बंद हो गए साल भर से। अब ना दे रहे हैं? ना अब ना मिले। पहले पप्पू यादव कितना पैसा देते थे? पहले दे रहे 10,000 हर महीना। और हमने के पता है, हमने जानियो है ये ना, जानी जानती हो तब ना सुना लिया कि उन्हें मिल रहे 10,000 के, अब फिर देवे लगल 6,000 के, तो वो अथी हो गए बंद हो गए ना मिले। मैं गया बोधगया से राजेश कुमार। देश दुनिया में दशरथ मांझी का चर्चा खूब हुआ, प्रेम पर, प्रेम की पहचान, ये कैसी चर्चाएं देश दुनिया में हुआ। उस पर अनेकों नेता, अभिनेता, रंगकर्मी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी वोटों की राजनीति खूब की है। और वोट बैंक की राजनीति में नीतीश कुमार जी अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दशरथ मांझी को बैठा दिए थे, लेकिन उस परिवार के लिए क्या कुछ परिवर्तन हुआ हम आपको दिखाएंगे। ये उनका घर है, ये उनका घर है। इसमें दशरथ मांझी का बेटा और उनकी बेटी आज भी रह रहे हैं। ये उनकी बेटी हैं और उनके घर का एक बच्चा है जिनका सड़क पे खेल रहा था, रोड पर बाहर में ही उसे चोट लग गया था। और स्थिति परिस्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि सरकार से जो मदद मिलना चाहिए था, बेहतर इलाज होना चाहिए था, वो अब नहीं हुआ है। क्योंकि ये पूरी कहानी आज भी हमें याद है, आज से 2004 की जब हम बात करते हैं, क्योंकि 4 में हम पत्रकारिता को शुरुआत किए थे, तो वो उस समय दशरथ मांझी पहाड़ काटते नज़र आते थे, उसकी हम लोग खबर बनाते थे। उनकी पत्नी के जब मौत हो गई थी पहाड़ पर से गिरने के दौरान, तो वो उसका एक प्लान था, उनकी एक सोच थी कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, बेहतर हॉस्पिटल बनाएंगे और जिससे सबका इलाज होगा, सबका कल्याण होगा। दशरथ मांझी के मरने के बाद सबका इलाज हुआ, सबका कल्याण हुआ, लेकिन ये बच्ची जो है अभी ये अपने घर में हॉस्पिटल से आई है, चोट लगी है, इसे हम देख सकते हैं। लेकिन सरकार से जो पहल होनी चाहिए थी इन गरीब परिवार के लिए आज तक नहीं हुआ। आमिर खान, केतन मेहता और अनेकों प्रोड्यूसरों ने, अनेकों राजनेताओं ने राजनीति किया, पैसे कमा लिए दशरथ मांझी के नाम पर, करोड़ों रुपया लोगों ने कमा लिया। एक छोटी सी पहल पप्पू यादव के द्वारा भी किया गया था कि हर महीने 10,000 रुपये देने का वो संकल्प लिए थे, और उस समय भी मैं उनके साथ था। 10,000 रुपये जो संकल्प देने का किए थे वो कई महीनों तक मिला, लेकिन वर्तमान के इस बीमारी कोरोना में, महामारी के दौरान, अब सरकार की तरफ से नहीं तो मदद मिल रही है और नहीं किसी राजनेता देखने के लिए पूछ रहे हैं, नहीं किसी अधिकारी जायजा ले रहे हैं। ये पूरे पीड़िता परिवार के हाल है। और घर मकान भी हम आपको दिखा दें कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो कि एक इंदिरा आवास जो सरकार की तरफ से जो मिलती थी वो भी नदारत है, वो भी आज तक नहीं मिला। लेकिन वोट की राजनीति बिहार में खूब हुई, गरीब परिवारों को, खास करके नीतीश जी की सरकार में दलितों को दो भागों में बांटा गया, दलित और महादलित। तो वो महादलित का एक हिस्सा बन गए मांझी समाज लोग, और अनगिनत लोग, उसमें सिर्फ पासवान को हटा दिया गया। हम बात करेंगे कि डॉक्टर साहब से क्या मदद मिल रही है, बच्चे की कैसी इलाज करवा रहे हैं आप? बच्चा के तो कर्जा महाजन से इलाज कर लिए, कर्जा महाजन से। आपका घर वाला रुपया रहता है, रुपया कहाँ से थे? कर्जा महाजन से इलाज हो लो, आप पैसा घट के लेते आओ खोजते आपका घर से। कैसे चोट लगा था बच्चा का? ये जापारी रोड पर उतर गए, इन्हें से जाए थे और अथी हले मुसलमान हले जात के, तो एगो बुतरू के ले लावाले इतना बच्चा के, वो तो अपन बचवा के बिक दिल के फेंक दिल के लती से फेंका गए, तो जड़ी मनी चोट लग गए। और एक तो ये दगल जहाले से एक चढ़ाइए दिल के घिसिए ले ले चल गए ढेर दूर ला और ना देखल के
और सब टूट गए, ई टूट गए रात हो गए, ई पैर हाथ ई रात हो गए एक लंग यही। तो हॉस्पिटल में का कुछ मदद मिल रहा है सरकार से? नहीं कुछ ना, नहीं एक रुपया का नहीं। तो कैसे के इलाज चलते, दवा पानी कैसे कर चलते? तो का करे, जैसे चल रहे ये जैसे चला है कर्जे महाजन से, आओ का करते अपने के। ये मिट्टी के मकान है, फूस के आज भी मकान है, आज से 7-8 साल पहले भी लिया है, तब भी हले। तो सरकार खूब ढिंढोरा पीट के अपने के पैसा देवे लगी, दशरथ मांझी के नाम पर बड़ी हॉस्पिटल अस्पताल बन गई। तू ने सब कोई एकर नाम से सब रुपया कर, बाकी बाल बच्चा के कुछ नहीं। ये तो बड़ बड़ा नीतीश कुमार है, से तो ओकर कर तर बैठे के लिए लेकिन आई बोले यहाँ तो कहियो नहीं आवे दो कोई नीतीश कुमार। हाँ बाकी ये जा ना नहीं नीतीश कुमार काका कहलक ने लाभ हल्थ मैंने कहा कि जाए से हटा देखा सर जे हमारे घर चल जड़ी मड़ैया के देखे चलता जो मड़ैया के तब सब लोग गांव के और अथी को भी कहा डीएम साहब माना कर कि कहे ले जीवन तो लूज हो जीवन हमारे ये लूज हो जीवन पुलिस के चलते दरवाजा पर कहियो नहीं ऊपर जाने। मैंने डीएम साहब मुख्यमंत्री के घर में न कभी आवे दिल ना, मुख्यमंत्री सब मुखिया है सूर्य को अच्छा ये सब है अध्यक्ष साहब कुछ कुछ नहीं आवे नहीं। लेकिन जितना दशरथ महली के नाम होले फिल्म बन गई पैसा कमाए वाला बड़ी कमा लेलके कमा लेलके कि एको पैसा के लाभ दिलके आए एक एक महीना रह ले हियाँ एक एक महीना फिल्मिया वाला अब कायन कितना दिल के 50,000 दिल के कितना दिल के भाई के दिल के हमने ना जानी वही सब एगो पैसा ना जानी एगो की भी ना सरकार के कायन में एक को पैसा के हमने लाभ ना जाना जा। अच्छा ये बचवा कौन है अपने के पोतिया हो? अच्छा तोर पोती है? हाँ हमारे पोती है। कै गो अपने के पोता पोतिया थी? हाँ हमारा तो ढेर है मान बड़का के हो बड़का बेटा के 7 गो अच्छा छोटका के 5 गो मंझला के 4 गो जोड़ है। अब अपने के भाई के बच्चा लोग? भाई के 4 गो नातनी हो एगो नाती 5 गो सब ही घर मकान में रहते हैं? हाँ एक रंग रह सब एक ठंग। और सरकार से कोई मदद ना? कोई ना कुछ ना कुछ मदद नहीं। ये है गरीब परिवार का ये हाल, दशरथ मांझी की जब कहानी बच्चा बच्चा को जुबानी पर आ गया देश दुनिया में पूरे वर्ल्ड में ये चर्चा हो गई। लेकिन इस परिवार की जब स्थिति और हालात की जब हम बात करते हैं तो आज भी एक कल्पना सी है। और जो सरकार के द्वारा दशरथ मांझी के जो स्टैचू बनाया गया है वो भी अपने आप में एक सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि आज हमने देखा तो ये लगा कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को काला चीज़ से काफ़ी नफरत होती है कई राजनेताओं को, लेकिन उनकी जो प्रतिमा है वो बिल्कुल ब्लैक पत्थर का बना दिया गया ब्लैक स्टोन का है। कहीं ना कहीं एक दलित होने का जो अत्याचार होता है वो सरकार आज भी इन दलितों का सारा अत्याचार अलग अलग तरीके से कर रही है, भले वोट की राजनीति करके पूरे बिहार के महादलितों को अपना वोट बैंक बना लिए हों, लेकिन महादलितों को वोट बैंक के नाम पर सिर्फ शोषण किया जा रहा है। ये शोषण करने का शब्द मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये तस्वीरें बयान कर रही कि जिस घर में हम खड़े हैं इस परिवार के लोगों का जो घर है आज से वर्षों पहले के हालात जो हम देखे थे और अभी का जो हम हालात देख रहे हैं वो आज भी यहाँ नज़र आ रही है। हम आपको ये दिखाते हैं कि सरकार ये राज्य सरकार या भारत सरकार जो दावा करती है कि हर घरों में इंदिरा आवास और चूल्हा गैस पर जलेगा, लेकिन ये दशरथ मांझी का परिवार का घर है। और देखेंगे दशरथ मांझी का परिवार का घर कि वो किस प्रकार खाना बना रहे हैं, उनके बच्चे हैं, उनका पोता पोती है, नतनी है। और ये घर आप देखिए कि उनका दशरथ मांझी का बेटा और बेटी का जो हाल है वो हकीकत ये है। ऐसे सरकार मुंह नहीं मोड़ सकती है, क्योंकि दलितों का सर जो अत्याचार सरकार कर रही है, दलितों के नाम पर जो वोट बैंक का एक
राजनीति जो बनी है पूरे बिहार में या पूरे देश में, लेकिन दलितों के साथ ऐसा क्यों अत्याचार, और ये सरकार कब तक करते रहेगी? और ख़ास करके दशरथ मांझी के नाम पर, जिसके नाम पर भारत रत्न देने का मांग जीताराम मांझी करते हैं, उनको पद्मश्री से सम्मानित किया जाए अलग अलग, लेकिन जीताराम मांझी भी कहीं ना कहीं वो अपने आँख में काजल लगाकर यह सुरमा के साथ सोते होंगे। मैं गया बोधगया से, राजेश कुमार। अब जूता बदल हुआ बिगड़ गए हैं, तो अरे मिस्त्री के बोलबल गए तो बड़े बना के गए यहाँ। फोटो वाले के जाते अब कोई तो मदद करे वाला ना है, मैंने कि कुछ के लाभ है एक को पैसा के है पैसे कराते जतो तो सब पूछे के है मकानिया है कहा है बड़का मैंने कोची के बड़का रहो एक सर मजूरिया करे वाला खेती न मारी कुछ है मानी के। कोरोना लॉकडाउन में सरकार सबके फ्री में चावल गेहूँ आटा दे, गेहूँ चावल हाँ देर के दुख भी यही ले बटे। अच्छा दू के भी एक किलो चाउर हल एक किलो आटा हल और डीलर जो यहाँ जो दे हथिन कोटा वाला हाँ, सब हाँ, दे रहे हर महीने हाँ डीलर वा दे देहो डीलर पैसा से कि फ्री में फ्री दे है कि और पैसा से आ पैसों से दे है पैसों ले है। तो अपने दशरथ मांझी के नाम पर सरकार इतना योजना चले के तो नहीं लेगी फंड दिल के सरकार तो सब पैसा केरा दे दिल के अब कहीं ना किए खा हमसे कब पता हमारी नहीं मालूम कुछ ना कुछ ना। पूरा चर्चा है कि अभी सब दशरथ मांझी के बेटा चुनाव लड़ते ही लड़ते कि ना लड़ते थी से हमारी कब पता हो जो कब पता हो मानी कि ये सब ना पता चुनाव में लड़ते कि ना लड़ते थे। कोरोना लॉकडाउन में कुछ मदद मिली थी कि ना सरकार से कुछ छू लेता हमारा तो आप इल्सिन मिला लो जे इल्सिन ही बंद हो गया साल भर पर दिल को है 3000। अच्छा 3000 और सबके तो पैसा मिल रहा ऐसे फ्री जा रहा थे ना ला रहा थे हमारे दोनों भाई बहन के नाम मिले तो सरकार के अधिकारी ना कोई आवत नहीं अथी हाथ मचा ले मिलेगी नहीं अथिया से नहीं आबो अथिया लगल हो जे सरकार इतना बड़ा बड़ा दशरथ मांझी के नाम पर बना दिल की थाना बने का सब कुछ बना लो और ये रोडवा बना वाला उनके और तोहनी के घर के अभी भी कुछ के मकान है ना कुछ ना कुछ से के मकान है देखे देखे के तो चीज है छिपावे की चीज है हैं सब आदमी आ रहे थे जा रहे थे देख रहे थे कि कुछ से के मकान है ये तो बड़ा काम कर के है और बड़ा नाम भी चल रहा है काम भी कर रहा है और कुछ के लाभ नहीं है ओकर बाल बचा के ये कुछ ना ये कुछ के ना का नाम होले अपने के हमारा लौंगी है लौंगी नाम दशरथ मांझी अपने की कौन लगाल थे हमारे पिताजी अपने पिताजी हाँ पिताजी मिथुन के कुछ सरकार दिल के ना योजना काम करे लगी नहीं वैसे थे अभी ना कुछ मिल जाए बाती जी के हो आंगनबाड़ी अच्छा ओकरे मिल ओकरा मिल भतीजिया पढ़ा रहा।
उनका लड़की है और भाई के लड़का नहीं, सामान एक ही जगह रह गए यही मकान में। एक ही मकान में कई गो परिवार रहा है? हमारा तीन गो लड़का है। अच्छा। और एगो लड़की है भाई के। अच्छा। तो रहा है जे नहीं है हमारे ये जे। तो अपने दशरथ मान जी के ना बेटी होल है? हाँ हाँ। लेकिन कोई सरकार फायदा नहीं देती है अपने के भाई और भतीजा सबके सरकार फायदा दिलती कि ना? कुछ ना, केकरो कुछ ना, ना केकरो ना। अपने कई को बहन हल थी? हमें एक एक ही है। आयो को भाई? एक भाई। ऐसे भी लेकर बाल बच्चा के कई लेकर है? सब पोता पोती हमार। अच्छा, अपने पोता पोती है? हाँ पोता पोती है, नातनी हो। यहाँ कोरोना की कोई चर्चा है कि ना गांव में? चर्चा है ना कि है फैलना ज्यादा कोरोना किलन है। बाकी हिया ना है, हिया ये देहात वाले ना है, देहात में ना होलो नहीं अलो। चर्चा तो चारों बगल सुन रहे हैं कि फलना जगह कि चिलना जगह। सबके दूरी बना के गांव में भी रहा है तैयो ना रहे तैयो, जैसे बाहर के कोई भी आदमी आवा है ना? हाँ। यह मनिया आवे तो कम से कम 4-3 फीट की दूरी होना जरूरी है। हाँ। 3 फीट 6 फीट की दूरी होना जरूरी है।